तो गाइस ये बिक रहा है 10 करोड़ के अंदर। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के बाद आते हैं और बाहर जूस पीते हैं, और ये है सीवी गार्डन का एंट्री गेट। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गेट है। तो चलते हैं अंदर, अब देखते हैं यहाँ का टिकट कितना होता है, क्या होता है। कितना का टिकट है? 5 1। हाँ, मैं तो बोल लग रहा था। ये है यहाँ का टिकट, नगर विकास न्यास कोटा सीबी गार्डन, प्रवेश टिकट 5 रुपये। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करते ही दो बात है, एक बात ये हुआ और एक बात ये हुआ। अब देखते हैं कि हम पहले चलते हैं सीधे। तो गाइस जैसे कि आप सभी ने देखा एक टाइम लैप्स के बाद जैसे ही हम एंड पर पहुंचे, तो एंड पर पहुंचने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर है यहाँ पर बहुत सारे झूले। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर झूले कितने हैं और किस तरह से बच्चे झूलों को एंजॉय करते हैं। तो आइए दिखाते हैं। तो ये है हमारे झूले देखिए, और ये हमारे मंकी दादा। एक्चुअली क्या है ना, सीबी गार्डन में आपको बंदर तो बहुत ही मिलेंगे। ये देखिए, हेलो, हे ब्रो, व्हाट्सअप। नाराज ना हो जाए, चल। तो आप देख सकते हैं गाइस झूले, और शायद झूले क्या है बहुत टाइम से या फिर इनमें कलर नहीं हुआ, ये पता नहीं क्या ही कंडीशन है। ये एक छोटी सी बतख, मैं छोटा हुआ था ना गाइस, सॉरी, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं यहाँ पर बहुत आया करता था पहले। आप देख सकते हैं ये झूले, अब तो शायद मैं इनमें माऊंगा भी नहीं। यहाँ पर भी एक स्लाइड हुआ करती थी, वो यहाँ से सीधी निकलती थी। और अब देखते हैं यार कि जो झूले पहले हुआ करते थे वो अब है या नहीं है, या उसी कंडीशन में है या टूट चुके हैं। ये देखिए गाइस, ये गाइस आप देख सकते हैं झूलों की हालत टूटी हुई हो चुकी है पूरी तरह से। क्या खेल रहे हो बेटा? पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो? मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ, हाँ? तो मुझे भी खिलाओगे? ए छोटू, मुझे भी खिलाया गया, फिर दाम कौन देगा? तुम पकड़ लोगे मुझे? तुम पकड़ लोगे मुझे? हाँ पकड़ लोगे, चलो मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ। तो कौन पकड़ेगा मुझे? वाह यार वाह। गाइस आप देख सकते हैं ये किस तरह से झूलों की हालत हो चुकी है। यार UIT को इस चीज में जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की जो एक्टिविटी की चीजें हैं उनको सही किया जाए। ये देखिए स्कूल के बच्चे किस तरह से आते हैं यहाँ पर। गाइस जब मैं छोटा था ना तो यहाँ पर बहुत सारे पहले प्लांट हुआ करते थे, अलग अलग तरह के फूल हुआ करते थे। अब तो शायद इनमें बस एक या दो रोजेज होंगे शायद, हाँ बस यही है। वैसे यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। और जो आपको ये फाउंटेन दिख रहा है ना, इस फाउंटेन में अगर हम बचपन में बहुत मस्ती किया करते थे, एंजॉय किया करते थे। ये प्रॉपर घूमता है गाइस, प्रॉपर घूमता है पूरा का पूरा। ये देखना मेरे पास ही आएगा, अभी आया आया आया, अब मुझे दूर भगना पड़ेगा। आ गया आ गया आ गया। तो गाइस आप जैसे ही उस साइड से एंटर करेंगे ना, तो आपको सीधा आना है और एक फर्स्ट लेफ्ट में मुड़ना है। अब देखते हैं फर्स्ट लेफ्ट में मुड़ते ही क्या है। आप देख सकते हैं ये रेड कलर की चीज़,
एक बात है, सीबी गार्डन में घूमने का भी अलग ही मजा है। और जैसे मैंने आपको कहा था, बंदे मामा, ये हर जगह मिलेंगे आपको सीबी गार्डन के अंदर। ओके, यहाँ पर एक मैप है, अब देखते हैं ये मैप किस चीज का है, अगर समझ में आया तो बताऊंगा। झालावाड़, काली सिंध, परवन नदी, अंधेरी नदी, ये शायद जो नदियों का संगम है ना, उस चीज को दिखाता है। एक मिनट, अब शायद इस जगह पर आकर आप देख सकते हैं सारी नदियों का संगम होता है, जितनी भी नदियां हैं उनका कनेक्शन इसी जगह पर आकर होता है। गाइस, अब जैसे ही आप इस मैप वाले एरिया से फ्री होंगे ना, तो आपको वहां से एकदम सीधा चलना है, और सीधे चलते चलते वो आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना हुआ है। और सामने मुझे एक दिख रहा है, एक राउंड सा शायद सर्कल, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और राजस्थान में एक चीज है, जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है ना, तो यहाँ पर पीले मच्छर जो होते हैं, शायद सरसों का मच्छर बोला जाता है उन्हें, हम तो सरसों के मच्छर बोलते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वहाँ से मैं निकला, फिर मैंने लेफ्ट लिया, अब देखते हैं यहाँ ये जो एक सर्कल बना हुआ है उसके अंदर क्या है। तो बाकी वहाँ से सीधे चलते रहिए। अब सीधे चलते चलते यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, छत्र विलास उद्यान आपका अपना है, कृपया साफ सुथरा रखें। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कितनी साफ सफाई रखी हुई है। तो वहां से मुड़कर आपको लेना है राइट, तो राइट मुड़ते ही हम चलते हैं इधर। ओके, यहाँ पर एक एरिया बना हुआ है, शायद यहाँ पर आके आप योगा करो या इस तरह से। अभी भी यहाँ पर पब्लिक बैठी हुई है। ओके गाइस, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं सीबी गार्डन में, छोटे हुआ करते थे उस टाइम तो याद नहीं था, बड़ा जाकर देखते तो खुशी मिलती है कि हाँ हमारा बचपन यहाँ भी निकला है। तो चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं और दिखाते हैं सीबी गार्डन में और क्या क्या है। तो गाइस, जैसे ही आप वहां से सीधा स्ट्रीट चल के आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक लेफ्ट में आपको टर्न करना है या राइट में टर्न करना है, वहां से स्ट्रीट आने के बाद ना, मतलब वो एक मेन पॉइंट है यहाँ का, आप वहां से हर दिशा की ओर जा सकते हैं। तो मैं वहां से सीधा आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये रास्ता इन्होंने कितना प्यारा बनाया है। जब उस टाइम छोटे हुआ करते थे उस टाइम ऐसा नहीं था, बट अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चेंज किया और क्या क्या नहीं किया। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये रास्ता, और जैसा मैंने आपको बताया, बंदर तो आपको हर जगह ही मिलेंगे यहाँ। ओ भाई, उस टाइम यहाँ पर एक बीच में पूरा फाउंटेन हुआ करता था, तो और वो चला करता था रात में शायद 8 बजे करीब, लेकिन उस टाइम से बेटर तो इन्होंने अप कर दिया, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है यार। पहले वो चीज नहीं थी, उस टाइम एक पतला सा जगह रास्ता बना हुआ था, अभी पतला ही है, पर इसको डिजाइन किया गया है अच्छे से। सामने आप देख सकते हैं शायद एक हवेली दिख रही होगी आपको, और जूम करते हैं, अपनी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। ओहो, तो ये बनाया गया है, क्या लिखा हुआ है यार, जूम करते हैं, स्वर्ण महल बनाया गया है। ओके, तो ये जो फाउंटेन है ना, पहले के लगे हुए हैं, ये पहले के लगे हुए हैं फाउंटेन सारे लगे हुए हैं जो। तो जैसे ही वहां से नीचे उतरे, तो हमें एक यहाँ पर एक गार्ड अंकल मिले। देखते हैं, गार्ड अंकल से पूछते हैं कि ये कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है। चलिए चलते हैं।
गंगा जी कितना किलोमीटर है जी वो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो पूरा पूरा ट्रैकिंग के पास वो 3 किलोमीटर जॉगिंग के लिए। अब तो बहुत चेंज हो गया, जब मैं छोटे 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 आता था मुझे टाइम पर, अब तो गोना चेंज कर दिया मैंने। तो गाइस आपने देखा कि अंकल ने बताया कि हमें ये 3 किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है जो पूरा ट्रैकिंग पाथ है इसका, तो मतलब मान सकते हैं कि इसका रेडियस शायद 3 किलोमीटर का होगा। वाह यार वाह। अगर आपको एक चीज़ और बताऊं यहाँ के बारे में कि जो सीबी गार्डन है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है छत्र विलास उद्यान। अब शायद आप जान गए होंगे इतनी देर से बोल रहा है सीबी गार्डन सीबी गार्डन है, ये है क्या यार साला भला। तो इसकी फुल फॉर्म है छत्र विलास उद्यान। और आपको एक चीज़ और प्लस पॉइंट बताऊं यहाँ के बारे में कि आपके लिए यहाँ घूमने के लिए 2 घंटे इनफ हैं। और उसके अलावा अगर आप सुबह से प्यार करते हैं ना, तो आपके लिए यहाँ का जो टिकट लगता है 5 रुपये का वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आता है उसके लिए एंट्री फ्री है। आप यहाँ पर आओ, मॉर्निंग वॉक करो, रनिंग करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तो आपके लिए वो सब चीज़ें फ्री है। और उसके अलावा आपको अब दिखाते हैं यहाँ का एक और प्यारा सा व्यू। जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है वो होती है पैडलिंग बोट की। अब आपको दिखाते हैं यहाँ की पैडलिंग बोट। शायद इनका जो पॉन्ड है वो तो गंदा हुआ पड़ा है, फिर भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का पॉन्ड जो शायद जाने कब से साफ नहीं हुआ। UIT गवर्नमेंट ध्यान दो, हम भी कोटा वाले हैं यार, हम चाहते हैं कोटा की शान बढ़े, कोटा आगे बढ़े एजुकेशन में है। तो इसी के साथ साथ जो अपने नेचर का एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें बनी हुई हैं उसके अंदर भी आगे बढ़े। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है एक पॉन्ड, और पॉसिबल हुआ है यहाँ का टिकट वगैरह मैं दिखाता हूँ आपको। दो सीट बोर्ड प्रति 15 मिनट 2 व्यक्तियों के लिए। वीडियो पॉज करके पढ़ लेना गाइस। लेकिन आप देख सकते हैं गाइस ये पॉन्ड के किनारे से एक प्यारा सा पुल निकल रहा है। और बस यही बात कहना चाहूँगा यार, जब हम छोटे हुआ करते थे उस टाइम इतनी गंदगी नहीं रहा करती थी, और आज आकर देख रहा हूँ तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। उस टाइम भी यहाँ पर ये नेट्स भी नहीं लगे थे और यहाँ से आप क्रॉसिंग कर सकते थे। इफ पॉसिबल हुआ कि यहाँ पर डक्स भी होती है, अगर दिखी तो आपको डक्स भी ज़रूर दिखाऊंगा। अब यहाँ भी एकदम घना 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 जंगल मान सकते हैं, क्योंकि गार्डन के अंदर आप जानते हैं कि पेड़ पौधे और इनके अलावा क्या मिलेगा। बाकी चलते हैं इधर भी और आपको दिखाते हैं टेरेस गार्डन की और क्या है। जैसे ही आप टेरेस गार्डन से सीधा आएंगे ना, तो यहाँ पर कुछ छतरी टाइप बना हुआ है। ये भी यार लाइक वही है, यहाँ पर आप योगा करो, मतलब बच्चों के साथ एंजॉय करो, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटी तो क्या बोलेंगे, मतलब कुछ ऐसा है कि आप यहाँ पर आकर अपना अकेलापन, अकेले में बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ से दिख रहे होंगे शायद आपको झूले, तो यही है यहाँ का एक टेरेस गार्डन की ओर का एरिया। ओके यहाँ पर एक ओपन जिम भी है गाइस, जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पर छत्र विलास उद्यान के अंदर एक ओपन जिम भी है। आप मॉर्निंग में आइए और जिम की फीस बचानी है तो यहाँ जिम कीजिए, थोड़ा बहुत तो काम कर ही जाएगा ये चीज। तो गाइस जैसे ही हम टेरेस गार्डन के बोर्ड की ओर वापस आए, तो मैं लेफ्ट साइड पे कुछ ये दिखा है, एक लाल पत्थर से कुछ बना हुआ है, देखते हैं ये क्या है। शायद कुआं होगा। ओके
कुआं है गाइस, लेट मी शो यू। ओके, जितना दूर रहो उतना बढ़िया। तो गाइस आप जैसे देख रहे हैं ना, ये ट्रैकिंग पाथ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दो पॉइंट दिखाए थे, एक लेफ्ट साइड वाला पाथ, एक राइट साइड वाला पाथ। तो आप अगर लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो आप इस साइड से आएंगे, और चलते चलते जैसे वहाँ से आएंगे तो आपको सीधे जाना हुआ करता था पहले, लेकिन अभी जो नया रूट निकल गया है यहाँ पे, इस साइड से गार्डन जो है बढ़ चुका है, और ये है पीछे हमारा एक म्यूजियम। चलेंगे जल्दी ये म्यूजियम के अंदर भी, और आपको दिखाएंगे कि कोटा के इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। तरह के कुछ शेल्टर बनाए गए हैं बैठने के लिए। जैसे ही आप वहाँ से सीधे सीधे आएंगे तो आपको दिखेगा एक और प्यारा सा ब्रिज, और ये पॉन्ड। शायद अगर डक की आवाज़ आपको आ रही हो तो सुन सकते हैं, जैसे मैंने बताया था पैडलिंग बोट, और ये रही डक्स। इसका टिकट 20 से 40 रुपए होता है एक मेंबर का। वाह यार, बहुत टाइम बाद देखने को मिली ये चीज, बहुत टाइम बाद। तो गाइस आपको एक और चीज बताऊं, आप शायद वीडियो में आपको ये ट्रैक दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, ये ट्रैक अभी आपको कुछ देर में बताता हूँ ये ट्रैक किस चीज का। इस पर चलकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो नीचे चला जाऊंगा। तो चलिए बताता हूँ उसके बारे में कि ये क्या चीज है। तो गाइस ये है एक टॉय ट्रेन का पाथ, जिसे सीवी गार्डन के अंदर चंबल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और ये चलता है CNG से, और इसका एक टिकट है एडल्ट के लिए 25 रुपये, और एक बच्चे के लिए 15 रुपये। और उसके अलावा ये आपको, इसमें दो गार्डन जुड़े हुए हैं जिनका पूरा टूर करवाती है। आपको दिखाते हैं यहाँ का टिकट काउंटर, यही है मेरे सामने, ये यहाँ का टिकट काउंटर है गाइस, चंबल एक्सप्रेस का, जो यहाँ की टॉय ट्रेन है। गाइस आप देख सकते हैं ये है चंबल एक्सप्रेस का पूरा काउंटर। वही चल रही है अंकल टॉय ट्रेन? टॉय ट्रेन नहीं चल रही, अभी लेट आई है, 11:30 बजे आएगी। 11:30 बजे आएगी? इसमें अच्छा बड़े आदमी का 50 रुपये कर दिया, पहले 25 था और बच्चे का 15 था, अभी 25 रुपये हो गया। तो गाइस आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, वहाँ से हम सीधा आ रहे हैं, और सीधा आते आते एक और प्यारा सा ब्रिज। अब ब्रिज की ओर चलें या फिर इन चट्टानों की ओर चलें, किधर भी चलो मिलेंगे तो एक ही जगह पे। तो चट्टाने आप इस साइड से देखिए, जब तक आपको इस ब्रिज के होते होते हम डक्स दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस बंदर मामा, और यहाँ पर कमल के फूल भी बहुत हैं, बहुत सारे कमल के फूल हैं, जितने भी है ना सारे कमल के फूल हैं। How are you? नहीं बोलोगे कुछ? हम तुम्हारे इंतजार में हैं, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? हम जा रहे हैं, नहीं तो तुम हमको मारोगे। देख सकते हैं गाइस ये ट्रैक कितना लंबा है, जो चंबल एक्सप्रेस आती है वो पूरे दो गार्डन्स को घुमा के लाती है, और यहाँ होके सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचती है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस ओर आपको दिखेगा स्वर्ण महल। तो आपने देखा था हम अंकल के पास से सीधा घूम कर आए, फिर हम गए टेरेस गार्डन की, और अब वहाँ से घूमते घूमते हम जैसे ही आए तो यहाँ दिखाया है हमें स्वर्ण महल। उसके पीछे का जो रोड जा रहा है ना गाइस, वो है हमारा किशोर सागर तालाब। उसके ऊपर भी जल्दी एक ब्लॉग आएगा, और आपको दिखाएंगे कि किशोर सागर तालाब ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी फेमस हुआ करती है कोटा के अंदर। मे भी यहाँ का लवर्स पॉइंट भी है, आपको जल्दी दिखाएंगे।
एक स्वर्ण महल। जैसे इस स्वर्ण महल से बाहर निकलकर सीधे ही और आएंगे आप, तो आप देख सकते हैं फिर से यही ट्रैक आ चुका है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ हर जगह का एक कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था यही एक मिड पॉइंट है, और यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल के राइट लेना है। अब राइट चलते चलते अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ट्रीज। एक बात तो है, यहाँ पर आपको हर तरह के पेड़ पौधे हर तरह की चीजें मिलेगी। यहाँ पर ये बंदर तो बहुत ही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा मैदान, एक खुला मैदान। यहाँ आकर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, सब खेलो, एंजॉय करो, एंजॉय योरसेल्फ। गाइस जैसे ही आप उस साइड से आएंगे तो आप देखेंगे एक रूट जिसमें से चंबल एक्सप्रेस होकर निकलती है और वापस आती है। आपको दिखाते हैं वही रूट। लेकिन गाइस आपने देख लिया होगा यहाँ पर बंदर कितने हैं, इनके कितने लड़ाया है। ये दो रूट है गाइस, एक रूट तो ये हुआ और एक रूट आगे वाला है जहां से दीदी वो पाइप उठा रही है, वो आ गई चंबल एक्सप्रेस गाइस। रूट जिसमें से चंबल एक्सप्रेस आती है और उसमें से वापस जाती है। दिखाओ ये झूला, इस झूले पर बचपन में हम खूब खेला करते थे और इससे घूमते घूमते इतनी बार गिरे हैं ना जिसकी हद नहीं है। तो गाइस ये बिक रहा है 10 करोड़ के अंदर, ऐसा मैंने यहाँ लोगों से सुना। शायद ऐसा मजाक भी हो सकता है, क्योंकि ये मजाक ही है, क्योंकि एक्चुअली ये है UIT नगर विकास न्यास की प्रॉपर्टी और ये किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं जा सकती, ना ही UIT से सेल कर सकता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी थोड़ा मजाक लगे उस पर दिल पे मत लेना यार। और आपको एक और जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, ये शायद यहाँ पर लोग योगा करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का एरिया, यहाँ पर लोग आकर योगा करते हैं गाइस। तो गाइस यही है वो रूट जहां से आप सीधा सीधा आएंगे और एकदम जाकर एंड पर पहुंच जाएंगे। अब देख सकते हैं गाइस ये रूट। तो गाइस ये रहा बाहर का एरिया, हम सीधा घूमते घुमाते पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर नहीं बट 1.5 किलोमीटर तो हमने कवर किया ही होगा। तो गाइस अब मैं बैठा हूँ VIP गेट के सामने, तो आपने जितना मैंने दिखाया उतना देखा है, पर बाकी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके अलावा बाकी जल्दी ही मिलते हैं गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। आप मुस्कुराएंगे, हम खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।